हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर बेस्ड न्यूमेरिकल करा रहे थे, तो आज भी हम आपको उसी में उसी चैप्टर से बेस्ड और आगे न्यूमेरिकल कराते हैं। तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने के लिए 1.5 किलोवाट पर टन रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। यदि रेफ्रिजरेटर कार्नोट चक्र पर आधारित है तो निम्न की गणना कीजिए। यानी रेफ्रिजरेटर का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है, मतलब जहां पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, और उसके लिए वहां से कितनी हीट निकालनी पड़ती है, उस हीट को या ये यूं कह ले कि उस हीट को निकालने के लिए हमें कितना वर्कडन करना पड़ता है, वो 1.5 किलोवाट है, और उसके लिए कितने रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है, कितने रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ती है, वो 1 टन रेफ्रिजरेंट की हमें जरूरत पड़ती है। और हमने आपको ये भी बताया था कि 1 टन रेफ्रिजरेशन जो इक्वल होता है वो 220 किलो जूल पर मिनट के इक्वल होता है। तो हम यहां से देख रहे हैं जो हमारा वर्क डन 1.5 किलोवाट है, ये रेफ्रिजरेटर के थ्रू किया गया वर्क डन WR है, इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, और किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट को किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर गिवन वैल्यू क्या क्या है, सबसे पहले आपका है WR, ये गिवन है 1.5 किलोवाट, इसको किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे 1.5 × 60, और ये वर्क डन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 किलो जूल पर मिनट। और 1 टन रेफ्रिजरेशन यानी ये Q1 है, तो Q1 इज इक्वल टू 1 टन रेफ्रिजरेशन, और Q1 इज इक्वल टू इसको 210 किलो जूल पर मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 टन रेफ्रिजरेशन जो होता है वो 210 किलो जूल पर मिनट के इक्वल होता है। इसके बाद T1 गिवन है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलेंगे तो -40 + 273, तो T1 आपका आ जाएगा 233 केल्विन। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका COP फाइंड करना है, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्क डन और हीट के टर्म में आपका फॉर्मूला होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q1 upon WR, Q1 आपका 210 है, WR 90 है, तो यहां से आपका जो COP की वैल्यू आएगी इसको हम डिवाइड कर दें तो COP ऑफ रेफ्रिजरेंट ये 2 point something, यानी 2.33 के आसपास आ जाएगा, तो ये COP की वैल्यू आ गई। इसके बाद में क्या फाइंड करना है, हॉट बॉडी का तापमान। अब COP का हमें दूसरा फार्मूला पता है टेम्परेचर के टर्म में, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू T1 upon T2 - T1, ये फार्मूले का यूज करेंगे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू T1 upon T2 - T1, T1 आपका 233 है, T2 फाइंड करना है -233, और COP की वैल्यू 2.33 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे T2 माइनस 233 इधर आएगा, 2.33 को इधर ले जाएंगे, तो T2 माइनस 233 इज इक्वल टू 233 upon 2.33, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल करेंगे तो यहां से आपका 100 आ जाएगा, यानी T2 माइनस 233 इज इक्वल टू 100, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 + 233, यानी T2 इज इक्वल टू आ गया 333 केल्विन। तो हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 333 केल्विन आ गया, और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे 273 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T2 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर आ गया, ये COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट है हॉट बॉडी द्वारा निष्कासित ऊष्मा, यानी यहां से निकलने वाली ऊष्मा, यहां से निकलने वाली ऊष्मा आपकी Q2 होती है, और Q2 इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q1 + WR। अब हमने Q1
Q1 की वैल्यू निकाल लिया, W1 की वैल्यू निकाल लिया है, Q1 आपका 210 है और W1 90 है, तो यहां से हॉट बॉडी द्वारा निष्कासित ऊष्मा जो आपका आ जाएगा 300 किलो जूल पर मिनट आ जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट है प्रदत्त ऊष्मा यानी निकाली गई ऊष्मा, तो यहां से निकाली गई ऊष्मा यही होगा Q2 ही होगा, तो यहां से प्रदत्त ऊष्मा की वैल्यू भी जो आपकी आएगी वो 300 किलो जूल पर मिनट आएगी, यानी ये प्रदत्त ऊष्मा की वैल्यू 300 किलो जूल पर मिनट हो गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, इस तरह से और न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करिएगा। अगला न्यूमेरिकल है एक रेफ्रिजरेटर बेल पॉलीवेंट चक्र पर 1.05 बार से 8.5 बार दाबों के लिए कार्यरत है, शीतलन चैम्बर से वायु 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर निकालकर उसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक संपीड़ित किया जाता है, संपीड़न का प्रसारण पीवी टू दी पावर 1.3 कांस्टेंट का पालन करते हुए वास्तविक सीओपी की गणना कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बेल पॉलीवेंट चक्र पर बेस रेफ्रिजरेटर के लिए पीवी और टीएस डायग्राम बनाते हैं, तो आपका पीवी डायग्राम आपका ये होगा, टीएस डायग्राम ये होगा। पहला प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है, और दूसरा प्रोसेस 2 to 3 ये भी कंप्रेशन प्रोसेस होता है, बस इसमें आपका जो प्रेशर की वैल्यू वो कांस्टेंट होती है। आपका 3 to 4 एक्सपेंशन होता है और 4 to 1 आपका रेफ्रिजरेटर इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो होता है। तो अब हम यहां से देख रहे हैं जो आपका प्रेशर गिवन है ये गिवन है, तो यहां पर देखिए P1 और P4 पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, P1 इक्वल टू P4 इक्वल टू 1.05 बार हो जाएगा और P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू 8.5 बार हो जाएगा। तो यहां से सारे प्रेशर हमें गिवन है, यानी सारे प्रेशर में P1 इक्वल टू P4 इक्वल टू 1.05 बार और P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू 8.5 बार सारे प्रेशर दिया है। गामा की वैल्यू होती है 1.4 और N की वैल्यू गिवन है 1.3। अब हम इस और इसके बाद ये कह रखा है शीतलन चैम्बर से वायु 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर निकलती है, यानी यहां से वायु 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर निकल रही है, तो T1 गिवन है, T1 इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलेंगे 10+273 यानी 283 केल्विन आ गया। इसके बाद आगे कहा जा रहा है निकालकर उसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक संपीड़ित किया था, संपीड़न कहां तक हो रहा है, पहला संपीड़न यहां से यहां तक हो रहा है, दूसरा संपीड़न यहां से यहां तक हो रहा है, तो संपीड़न के बाद वो बाहर निकल रही है, मतलब यहां से यहां जा रहे हैं और यहां के बाद फिर यहां आ रहे हैं, तो ये आपका T3 दिया है। तो T3 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलेंगे 30+273 तो कितना हो गया 303 केल्विन, तो यहां से आपका T3 आ गया। अब हम वास्तविक सीओपी के लिए जो फार्मूला है, वास्तविक सीओपी सीओपी ऑफ आर इक्वल टू T1 माइनस T4 अपॉन N माइनस N अपॉन N माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में गामा माइनस 1 अपॉन गामा, फिर उसके बाद T2 माइनस T3 एक ब्रैकेट में माइनस T1 माइनस T4 दूसरे ब्रैकेट में। तो हम यहां से देख रहे हैं आपका N पता है, गामा पता है, T1 पता है और T3 पता है, T2 और T4 की वैल्यू अगर निकल जाए तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके सीओपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब T2 और T4 की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको टेम्परेचर और प्रेशर में एक रिलेशन बताया था, तो टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन जो होता है T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर N-1 अपॉन N। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो इस रिलेशन में आपका T1 पता है, P2 पता है, P1 पता है, N पता है, यानी T2 की वैल्यू जो हो जाएगी T2 इज इक्वल टू T1 इन ब्रेकेट P2 माइनस P1 की पावर N-1 अपॉन N। अब इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं कि T2 की वैल्यू जो आती है वो 458.5 केल्विन आती है, यानी यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके और यहां से T2 की वैल्यू आएगी 458.5 केल्विन, ये आपकी T2 की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह से T4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरा रिलेशन हम यूज करेंगे T4 अपॉन T3
इज इक्वल टू पी फोर अपॉन पी थ्री की पावर एन माइनस वन अपॉन एन। तो यहां से अगर हम पी फोर की वैल्यू निकालें तो टी फोर इज इक्वल टू हो जाएगा टी थ्री इंटू पी फोर अपॉन पी थ्री की पावर एन माइनस वन अपॉन एन, ए वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से जो आपका T4 की वैल्यू आएगी वो T4 फोर इजकल टू सारी वैल्यू यहां पर करेंगे T3 की वैल्यू 303 केल्विन, P4 की वैल्यू आपका 1.05 और P3 की वैल्यू 8.5 और N की वैल्यू 1.3 पुट करेंगे तो आपकी T4 की वैल्यू जो आएगी 187 केल्विन के आसपास आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये T2, T4, T1, T3 एन और गामा ये सारी वैल्यू अगर हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो फार्मूले पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो सीओपी की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 1.3। तो इस तरह से आप लोग सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, देखिएगा 1.3 आएगा। इस तरीके से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अब अगले टर्म पे आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।